नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 6 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो जो भारतीय फार्मा मानक है, तो इनको मान्यता देने वाला जो पहला स्पेनिश भाषी देश है, तो ये बन गया है निकारा गोवा। तो निकारा गोवा बन गया है पहला स्पेनिश भाषी देश। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो निकारा गोवा भारतीय फार्माकोपियों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। भारत और निकारा गोवा ने दवाइयों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में फार्माकोपियों से संबंधित एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जो निकारागुआ में भारत के जो राजदूत हैं सुमित सेठ, और जो निकारागुआ के स्वास्थ्य मंत्री हैं मार्था रेस, तो इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो भारतीय फार्माकोपियो आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जिसे देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए बनाया गया है। जो आईपी है, इंडियन फार्माकोपियो, इसका पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ था, और जो इसका नवीनतम जो नवा संस्करण है, ये 2022 में प्रकाशित हुआ है। इंडियन फार्माकोपियो को 6 देशों, अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और निकारागुआ द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें निकारागुआ जो है ये स्पेनिश भाषी देश है। क्वेश्चन नंबर टू है, देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में है? तो देश में जो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में है तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या है, मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुए। इसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 1985 तेंदुए, कर्नाटक में 1,879 तेंदुआ, और तमिलनाडु में 1,070 तेंदुए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो ये मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है दुनिया भर में वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व वन्य जीव दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था, और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे थीम 2024 है, तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये 2024 की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम रखी गई है, और इसकी जो शुरुआत हुई है 2014 से, विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया? जो वैश्विक जैन शांति राजदूत है, तो इसके द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य लोकेश मुनि को। आचार्य लोकेश मुनि जी को वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है। तो अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र, तो इनके संस्थापक जैन मुनि आचार्य लोकेश को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। इस समारोह जो ये समारोह है, ये कर्नाटक के हुबली वरूर में किया गया है, और जिसका आयोजन जैन तीर्थ केंद्र नवग्रह तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया गया। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जैन मुनि को सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 में जो सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 71 पदक, 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य के साथ KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही है, और 19 फरवरी 2024 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का जो उद्घाटन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुवाहाटी असम के सरू सजाई स्टेडियम में किया गया था, और इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, जो कि एक तितली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सबसे ज्यादा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, और आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है, और इस योजना का लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करना। और इसके दो मुख्य घटक हैं, पीएम जय प्रोग्राम और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और ये विशेष रूप से माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की पेशकश करता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो जो स्टेनलेस स्टील सेक्टर है, इसमें भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में की गई है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो यह है त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रिसा को GI टैग प्रदान किया गया है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है GI टैग, जिसे भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, ये मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप है, तो इसका आयोजन शिमला में किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 6 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।